वो था कहाँ, गाड़ी के आगे था या साइड में? पीछे। गाड़ी के पीछे कैसे हो सकता है? अगर पीछे होता तो तुम ठोकती कैसे? पीछे। तुम फिर से वही बोल रही हो, सब मेरे सवाल का जवाब दो ना। आगे था या साइड में था? पीछे पीछे। मतलब पीछे? देखिए पीछे। हाँ, तुम मुझे पहले नहीं बोल सकती थी क्या? मैं बोल तो रही थी। क्या मतलब है यार, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? तुम्हारे पीछे पड़ने का हक सिर्फ मेरा है। I'm feeling bad and jealous. बता तो रही थी आपको, पीछे खड़े हैं, पीछे देखिए। अरे भाई साहब, कर क्या रहे हैं आप? ये धोबी घाट है, दूसरा वाला घाट नहीं है जहाँ पर चिता जलाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे क्या पता, धूप में पागल हो गया हूँ मैं। अरे भाई साहब आइए आइए। आप बात क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि ये लोग नजदीक आ जाए, एक बार रेन में आ जाए ना, तो उसके बाद पत्थर फेंको उन पर। पल्लव, नौकर ना हमारी लाइफ की बर्डन कम करने के लिए होते, अगर उन्हें सर पे बिठा दिया जाए ना तो बोझ बन जाते हैं। आओ। क्या हुआ? पाँव मुड़ गया। पाँव मुड़ के मत देखो। ओह शिट, मोच आ गई। चलिए। क्या चलिए, कैसे जाओगी तुम? भाग लूंगी। बैठो इधर, बैठो। आओ। आराम से। अरे चलिए, मैं भाग लूंगी। तुम्हें तो मोच लगी है, तुम भागोगी कैसे? मैं भाग लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम्हारी मोच जो है वो बढ़ जाएगी। मैं फिर भी भाग लूंगी। अरे पीटी उषा हो क्या तुम? तो मैरी कॉम हो, हाँ, इतना जुझारू जो बन रही हो तुम। अरे तुम्हारी पैर की जो मोच है वो बढ़ जाएगी। मोच के बारे में तब सोचूंगी ना जब जिंदा बचूंगी। आप मोच पे नहीं, जिंदा रहने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। चलिए भागिए। अरे पहले की बात और थी पता है, लेकिन अब तुम्हें वो पहले वाली बात कहाँ रह गई? उम्र हो गई तुम्हारे। मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अपने सुहाग की उम्र को नजर नहीं लगने दूंगी। आखिरी बार देख लूं मैं, भाग लूंगी, आप चलिए। दर्द होगा आपको, गोली लगेगी ना तो ज्यादा दर्द होगा मुझे। समझ क्यों नहीं रहे, सालों बाद मिले हैं, अगर साथ रहना है तो जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपसे प्यार है। वरना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या कहा था ना मैंने कि अब जो कुछ भी है ना सब बराबर हो। अब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरा प्यार कम कैसे हो सकता है? तुम अगर मुझसे मेरी जान मांग लेती ना तो मैं हंसी हंसी दे देता, लेकिन अब नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है, और इसलिए क्योंकि मुझे अपनी ये वाली जान से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं ये मरने वरने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता ना बाबा। नो चांस। तो सोचा था कि शादी के बाद ऐसे भागना पड़ेगा। भागने वागने की बाद में कर लेंगे, मुद्दे पर आते। मतलब तुम्हारा वेट जो था उतना ही है, पहले से बढ़ गया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उठाने में तकलीफ ना हो मुझे। मेरा वजन चाहे कितना भी हो, आपने तो कहा था मेरी हर बात सर आंखों पर। बात क्या है, बात तो बात होती है, बातें तो होती रहती है। अरे मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं होती, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता ना मैं उठा के चलती। चलिए चलो, उठा उठाओ ना। हो रहा
इससे नहीं होगा, किस दे दो अपने आप उठ जाऊंगा। चलो एक गेम खेलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम 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 उंगली चूज कर। ये वाली उंगली क्यों चूज की? मुझे फर्स्ट नंबर ही पसंद है। अब देखो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। सेट देगी यहाँ पर भी तुम्हें जीत गई। आई मीन जीत गई। अरे मोटी हो गई तुम। चुप जाओ। इस वक्त तो सब लोग अपने अपने घर खाना खाते हैं, फिर कौन हो सकता है? कहीं शुभ तो नहीं? शुभ आज तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? कोई और होगा। चलो देखते हैं। अरे धीरे नॉक कीजिए, कोई सो रहा होगा तो? बोल तो ऐसे रोहित, तुम्हारी मौसी मौसा का घर है, तुम्हें पता है दिन में सोते हैं वो लोग। कोई आ रहा है। कौन है आप लोग? ये पूछे कैसे हैं आप लोग, और अंदर बुलाइए, चोट लगी है इसे। प्लीज चल दो। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या हुआ? चोट लगी। भाग भाग भागते वक्त पांव पर मोच आ गई। अरे अरे तो खड़े क्यों? चलो पैरों पर जोर नहीं देते ऐसे। आराम से बैठो 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 बैठो। एक नंबर की इडियट हो तू। मैं तुम्हें रिया की माँ बनाने जा रही थी, भाई की बीवी, इस घर की बहू, लेकिन तुम तो नौकरानी की सोच से ऊपर उठ ही नहीं सकती। इसे पहन के मेरी मॉम ना रॉक स्टार लगेगी। वैसे तो मेरी मॉम पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे पहनने के बाद और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, हमेशा प्यार करती रहूंगी। इस घर से जो प्यार, जो रिस्पेक्ट मिली, उसके रिटर्न में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, पर मिस्टर मेहरा को उनका प्यार दिला के अपने दिल को थोड़ा सुकून जरूर दे पाई। मीरा को उनके कृष्ण नहीं मिले, पर कृष्ण को उनकी रुक्मणी से तो मिला दिया। मेरे जीने के लिए इतनी खुशी ही काफी है। मैं हमेशा प्रे करूंगी कि मिस्टर मेहरा, आप, प्रज्ञा और आपकी दोनों बेटियां अब एक घर में हमेशा एक साथ रहे और खुश रहे। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आर्यन, तुमने अपने मॉम डैड को बताया कि तुम शादी कर रहे हो? अरे नहीं, क्यों क्यों बताना है यार? अब हाँ, वो पेरेंट्स को बताने की क्या जरूरत है कि मैं शादी कर रहा हूँ, है ना? या कम ऑन यार, वैसे भी मंदिर में शादी हो रही है, एंड भागने भगाने वाली शादियाँ तो दिल से होती है, दिल से, है ना? ऑफ कोर्स। और ये अक्सर दिल वाले ही करते हैं, इसमें हम दिमाग नहीं लगाते, जो दिल में आता ना वो ही कर देते हैं। रणबीर, मुझे भी तुम्हें भी क्या? मुझे भी तुमसे शादी करनी है। हाँ मुझे पता है। ऐसे ही और आज ही करना। शादी? अब आज 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 तो नहीं कर सकते शादी, आज आज नहीं कर सकते हम शादी आज, अब क्योंकि इसकी तो अब हालत खराब हो जाती है ना पंडित जी को देख के। मेरी मेरी रियली यार, रियली सो नो आई नो, बट द थिंग इज, देखो पंडित जी ने हमें बताया कि हमें ना बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए होता है, और हम में से तो कोई बुजुर्ग है नहीं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो शादी नहीं हो पाएगी। और प्लस भागने भगाने का सीन थोड़ी है, हमारे पास टाइम है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और आराम से शादी करेंगे ना हम लोग, यू नो। आज क्यों? क्योंकि आज ना आज मुझे बहुत रोमांटिक लग रहा है। आज मैं जो कुछ भी मांग रही हूँ ना वो मुझे मिल रहा है। या
मुझे भी लगा कि रिया की आवाज है, वहां तो कोई नहीं है। जाने दो, इसी की आवाज होगी रिया जैसी, इसलिए अपने को सुनाई दिया। ये लोग गए कहां? हमने तो पूरे मंदिर में देख लिया ना। कहां गए होंगे? शायद उनकी शादी हो गई होगी, या तो बीच में ही शादी रुक गई होगी और वो लोग चले गए। अब पंडित जी को हमारी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं अपना नया शादी का जोड़ा देखने, अभी और प्रज्ञा को। चलो चलो। कमे ध्यान से ध्यान से। रणबीर क्या कर क्या रहे हो तुम? बताता हूँ। रणबीर तुम मेरा मुंह क्यों बंद करके रखते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। लिपस्टिक खराब कर दी तुमने। अरे आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें नई लिपस्टिक दिला दूँ। रिलैक्स, बट अगर बलजीत दादी के सामने तुम चिल्ला रहे, बलजीत दादी को थोड़ी पता है कि लोग शादी कर रहे हैं, अगर उनको पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए। बट तुम वो सब छोड़ो, तो मुझे एक बात बताओ, ये प्राची की मम्मी और शीफ की शादी हो गई या हो रही है? यस, शादी हो गई। हो गई? कैसे, ऐसे कैसे हो गई? उनका तो बेचारे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो मैं ना तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ना मुझे तुमसे शादी करनी है। और अभी? अभी क्यों करनी है शादी? सिर्फ ऐसे ही शादी हो रही है, दो दो कैसे करेगा? हाँ? एक्चुअली आर्यन का मतलब है कि आज ऑलरेडी एक शादी हो रही है। हाँ। और उस शादी के मुहूर्त में दूसरी शादी तो नहीं हो सकती है। एक काम करो, पहले तुम लोग शादी कर लो, उसके बाद मैं पंडित जी से जाके बात करके आती हूँ और एक मुहूर्त निकलवाती हूँ, और फिर मैं और रणबीर शादी करेंगे, है ना? और तुम सब देखना कितना मजा आएगा, इट विल बी सो रोमांटिक। दुर्गो कन्याए, इसे शादी प्राची से करनी है, पर लगता है इस नई कन्या को भी ना नहीं कर सकता ये लड़का। काम करो, तो मुझे अपना रूम बताओ, मुझे जाके रेडी होना। बहुत दूर है पलक का। इट्स ओके, आई हैव माय कार, आई विल गो। बताओ ना रूम का है। बट तुम्हारा मेकअप? मेकअप के बिना कैसे करोगी? मेकअप दैट्स इन माय कार, आई ऑलवेज कैरी। तुम मुझे बताओ ना तुम्हारा रूम का है। टेल मी। वहां पे परफेक्ट। कम। बताओ रूम का। छोड़ो ना, क्यों? कांग्रेचुलेशन। इतनी शादी करूंगा आज, कांग्रेचुलेशन। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कौन हो तुम लोग और इनके पैर में चोट कैसे लगी? वो भागते वक्त पैर पे मोच आ गई थी और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है सर। कैसी प्रॉब्लम है? कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो लोग हमें मारना चाहते हैं। हे भगवान, कौन है वो लोग? तुम्हारे घर परिवार से ही कोई होगा, अक्सर भाग कर शादी करने के बाद यही होता है। नहीं सर, वो ने भाग के तो शादी की है, लेकिन हमारे परिवार में से नहीं है, हमने कभी नहीं देखा, हम नहीं जानते उन्हें। एक्चुअली मेरी गाड़ी से किसी के बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आदमी हमारे पीछे ही पड़ गया, उस मंदिर में भी आ गया था जहाँ हम शादी कर रहे थे, और वहाँ पर उसने हमें मारने की कोशिश की, पर यहाँ पर कोई और ही आ गया हमें मारने, पता नहीं कितने लोग हमारे पीछे पड़े हैं, वी डोंट नो। अरे ऐसे किसी को कोई क्यों मारना चाहेगा भला? वो सब डिस्कस करने के सर बहुत टाइम मिलेगा हमें, लेकिन अभी हमें छुपने की जगह चाहिए, बस कुछ घंटों की, आई प्रॉमिस। हाँ सर, वो लोग इधर उधर ढूंढ कर चले जाएंगे और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम चाहो। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों की वजह से हम लोग मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, हम लोग बुड्ढे हैं, अकेले रहते हैं, हमें अकेले ही छोड़ दो। एक मिनट, मैं अभी आई। प्लीज लेक्चर मत देना, आपके लेक्चर ना टॉर्चर लगते हैं। मैं लेक्चर देने नहीं आई, अपना डर दूर करने आई। कैसा डर? कैसा डर? अपना ही नहीं, हम सबका डर। आलिया, अभी तक इस घर में तुम्हारी चलती थी, तुमने बहुत अच्छा किया कि मीरा को घर से निकाल दिया, वरना वो भी प्रज्ञा का ही साथ देती। पर अब क्या? अब प्रज्ञा वापस घर में आ रही है, वही 20 साल पहले वाली हिटलरशाही शुरू हो जाएगी उसकी। याद नहीं है तुझे कैसे उंगलियों पे नचाया था उसने हमें? इस बार तो और ज्यादा नचाएगी, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो इस घर में आए, और वो इस बार तो जीत कर आ रही है। वो प्रज्ञा जीती जरूर है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है।
I will fight back. इस घर पर रूल मैं ही करूंगी. मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक उस प्रज्ञा और प्राची को इस घर से बाहर नहीं निकालूं. समझे आप? ये पलक कहाँ रह गई? अब तक आ जाना चाहिए था ना उसे. आई होप उसके पेरेंट्स मान जाए, सब ठीक हो, राजी खुशी अपनी बेटी को विदा करें. जो भी है तो उनकी बेटी ही ना. उधर पेरेंट्स नहीं रिया है, उसे शादी की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए वरना वो शादी नहीं होने देगी. और मेरी टेंशन देख, मैं तुझे ये सब बता भी नहीं सकती हूँ. क्या हुआ, कुछ कहा तूने? नहीं, वो तू ना बोल के टेंशन ले रही और मैं ना सोच सोच के ले रही हूँ. तू बैठ और सोच, मैं अभी आई. नहीं प्राची, तू दुल्हन है, तू बाहर नहीं जा सकती. मेरा मतलब है कि तू दुल्हन की सरवाली, इसलिए तू बाहर नहीं जा सकती. और देख मेरी सुन. क्या हुआ बोल ना. प्राची, नहीं है. लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी, वो प्राची थी. मैंने नहीं सुनी, मैं देखी. I mean, मैंने देखा मेरी कजिन को, वो उस रूम में वहां पे है, वो मुझे ढूंढ रही है. लेट्स रन. रिया, रिया की आवाज थी ना, तूने सुनी? रिया की आवाज कहाँ है? रिया तुझे दिखाई दे रही है? रिया प्राची, इतना मत सोच रिया के बारे में, और सोचना तो रणवीर के बारे में सोचना. अगर इतना सोचती तो सॉरी रिया यहाँ नहीं है. पक्का सब ठीक है ना? प्राची, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है? नहीं ना. और वैसे भी अगर तू यहाँ रहेगी ना तो पलक के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और किसी ने देख लिया तो. हाँ चल. क्या कहना है बोलो. तुम्हारी तकलीफ क्या है रत्ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. देखो मैं अपनी तकलीफ की नहीं, बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ. रहने दो नहीं. पर वो अपने बच्चे नहीं है रत्ना, और उन्होंने ये भी कहा है ना कि उनके पीछे कोई पड़ा है जो उन्हें मारना चाहता है. मैंने लोगों से सुना है वो लोग इसी गांव में जाते हुए देखे गए थे. कावर्ड कहीं के. कावर्ड? अबे तुझे कितनी बार बोला ना मेरे साथ रहकर तो डिक्शनरी साथ में लिया कर. अरे नहीं मिलती भाई, तेरे कहे वर्ड्स डिक्शनरी में भी नहीं मिलते. आई एम यूनिके. फिर कुछ उल्टा सुलटा बोल रहा होगा, मैं भी कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ. फोकस. ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, फॉलो द मुझे. हाँ तो करना क्या है, रखना है या नहीं बोलो. हाँ रखना. मैं समझ गया तुम उन्हें क्यों रखना चाहती हो. और मैं समझ गई कि तुम उन्हें क्यों नहीं रखना चाहते. वो बच्चा अपना शुभ नहीं है रत्ना, समझो इस बात को. मैं भी वही कह रही हूँ कि हमें उन्हें खाली यहाँ रखना है, क्योंकि अब उन्हें हमारी जरूरत है. हमने अपने शुभ के लिए क्या कुछ नहीं किया. जमीन बेची, अपने पशु बेचे, उसे पढ़ने के लिए शहर तक भेजा, और एक बार वो क्या गया कभी मुड़कर वापस नहीं आया. उसने अपनी शादी भी कर ली, अपनी शादी तक में हमें नहीं बुलाया. और तो और उसे हमें माँ बाप कहने में शर्म आती है. जब हमारा अपना खून ही अपना नहीं रहा तो हम किसी पराये पर भरोसा कैसे कर सकते हैं. हमें उन्हें भरोसा नहीं करना, उन्हें सिर्फ रखना है, उनकी मदद करनी. मिला? नहीं. Found everywhere, but he not to be found. पर हमसे मिलने के बाद वो किसी और से नहीं मिल पाएगा. बॉस से बंगा लिया है ना. सुनो, हमने किसी शहरी आदमी को देखा है, उसके साथ उसकी बीवी भी है. नहीं नहीं, हमने नहीं. हमने किसी को नहीं देखा. नहीं मिला ना, चलो गांव में ढूंढते हैं. मैं जब तक अपना लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता, पानी का एक घूंट भी नहीं पीता. अभिषेक प्रेम मेहरा. जैसी साइड में आए. चलो. मैंने कहा था ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है अपने साथ.
क्या रिया कहीं नहीं जाने वाली, अब क्या करे? तू शादी करेगा पलक से। हाँ हाँ हाँ, तू 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 क्या करेगा? तू उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला होगा जैसे पंडित जी अपने मंत्र खत्म करेंगे। ओके, वो जैसे ही खत्म करेंगे तो तुझे मुझे धक्का देना होगा उसी टाइम पे ठक करके, और जैसे मुझे धक्का देगा मैं मंगलसूत्र लेके प्राची के गले में फैला दूंगा और मांग में सिंदूर भर दूंगा, खत्म बात। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा क्या होगा, शादी हो गई ना, और कितना होगा? पंडित जी उस टाइम बोलेंगे कि रणबीर और प्राची शादीशुदा है। वाह, तू जानता ना मैं पलक से प्यार करता हूँ, अगर इसकी शादी पलक से होगी तो मैं क्या वो शाना से शादी करूंगा? और इन दोनों का तो चल रहा है ना। अरे भाई ये क्या चल रहा है यार, मेरी वाली इसकी पास, इसकी वाली मेरे पास, पर क्या चल रहा है? ये वुड बी स्वैपिंग चल रही है क्या यहाँ पे? तू मेरे लिए इतना सब नहीं करेगा? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये सब, तुम सुन लो। तू भाई की लव स्टोरी के लिए नहीं करेगा? वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, क्या बोल रहा है? अरे भाई तुम्हारी लव स्टोरी लव स्टोरी, हमारी लव स्टोरी टाइम पास, बहुत बढ़िया। नहीं यार मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ ये सब। अबे एक मिनट, तू मेरा नाम सहना के साथ क्यों जोड़ रहा है? जोड़ा तो जोड़ा है ना। अबे क्या क्या तुम दोनों जो जोड़ रहे हो उसका क्या? देख जाए तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, समझा ना? जब तक रिया यहाँ है प्राची से मेरी शादी नहीं हो सकती, और शादी मुझे आज ही करनी है क्योंकि मुहूर्त कितना अच्छा है। क्या करूँ क्या करूँ, कैसे भगाऊं रिया को यहाँ से? वो किसी हाल में यहाँ से नहीं जाएगी, अगर यहाँ से जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ चीफ के लिए।